हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत तिवारी आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है संसदीय उत्पादकता में गिरावट के कारण जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी है उसमें डिक्लाइनिंग हो रही है, तो आखिर उसका कारण क्या है, क्यों संसद की उत्पादकता प्रभावित हो रही है और हम क्यों उस पर चर्चा कर रहे हैं, आपके बीच क्यों उपस्थित हैं। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि आप सब देखते होंगे कि संसद की बैठक हो रही है, इस समय बजट सत्र चल रहा है जिसमें बजट पेश किया गया है और ढेर सारे कानून भी इस सेशन में बनाए जाएंगे। तो जब हमारे देश की जो सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था है, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई कमी आएगी या उसमें कोई कमी होगी, खामी होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसको खराब होते देखकर हमें अच्छा नहीं लगेगा और हम चाहेंगे कि वो उसमें सुधार हो। तो उसकी जो उत्पादकता है वो डिक्लाइन हो रही है और जो रिपोर्ट है वो है 2021 की शीतकालीन सत्र की, जो 2021 में शीतकालीन सत्र हुआ तो उसकी जो उत्पादकता थी वो प्रभावित हुई। और उत्पादकता जो राज्यसभा की थी 82% और लोकसभा की 82%, और राज्यसभा की 48%, ये प्रोडक्टिविटी रही है लोकसभा और राज्यसभा की। इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ, यानी 100% प्रोडक्टिविटी में राज्यसभा, जिसे हम वरिष्ठों का सदन कहते हैं, वो 42% इसकी उत्पादकता है। तो जाहिर सी बात है कि चिंतन या तनाव देश के नागरिकों को या संभ्रांत वर्ग को या बुद्धिजीवी वर्ग को होना ही चाहिए। तो उत्पादकता में कमी के हालिया उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपको पता चलेगा कि विधेयकों की जांच का अभाव है इसमें। जो कोई भी विधेयक पारित होता है तो उसकी जांच होती है, विभिन्न कमेटियां बनाई जाती हैं, सांसद उस पर बहस करते हैं, तो वो बहस का जो चलन है वो कम होता जा रहा है। विधेयक जांच के लिए भेजे ही नहीं जा रहे हैं समितियों के पास। तो इसमें जो बजट सत्र 2021 था उसके दौरान संसद में 13 विधेयक पेश किए गए, कुल 13 विधेयक पेश किए गए और 13 विधेयकों को आनन फानन में पास कर दिया गया, उसको संसदीय समितियों के पास नहीं भेजा गया। संसदीय समितियां दरअसल कुछ ऐसी सांसदों की समितियां होती हैं जो व्यापक तरीके से विचार विमर्श करती हैं। जब संसदीय समितियों के पास किसी विधेयक को भेजा जाता है तो उस पर सत्ता पक्ष के और विपक्ष के भी कुछ सदस्य होते हैं, आपसी सहमति से वो उसके संविधान के जो परिवर्तन हैं, उनके जो कोई विधि निर्माण है या जो भी अमेंडमेंट एक्ट है या बिल है उस पर विस्तार से वो चर्चा करती हैं, कि एक प्रावधानों की बारीकी से चर्चा करती हैं, कभी कभी जनमत की राय को भी आमंत्रित करती हैं, विशेषज्ञों से सुझाव लेती हैं। तो जब इस तरीके से कोई विधि बनाई जाती है तो वो जनता के लिए ज़्यादा उपयोगी और सारगर्भित और फायदेमंद होती है, उसमें जनता की सहमति भी होती है। लेकिन अगर आनन फानन में वोटिंग हो जाती है तो विधेयकों को सोचने का, समझने का, उसकी कमियों को निकालने का, जनता की राय लेने का मौका नहीं मिलता। तो इससे जाहिर सी बात है कि विधेयकों की जो प्रासंगिकता होगी वो कितने समय तक रहेगी, जब उसमें जनता की सहमति ही नहीं शामिल होगी। तो इसके बाद दो तीन विधेयक हैं जिनको संसदीय समितियों के पास नहीं भेजा गया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, दो हजार 2021 में आया था ये। तो ये विधेयक जो है दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम भी करता है थोड़ा, काफ़ी विवादों में हुआ था इस समय ये मुद्दा। तो अगर इस पर व्यापक विचार विमर्श नहीं होगा तो संसद जो है निरंकुश भी तो हो सकती है, अपने मनपसंद से किसी भी कानून को वो बना सकती है। तो यहाँ संघवाद का भी उल्लंघन होगा कि राज्यों की शक्तियों के साथ छेड़खानी होगी। जो समितियाँ विचार करती हैं तो उसके पक्ष विपक्ष को देखती हैं, परखती हैं और एक डिबेट होती है जब पब्लिक डोमेन में वो रखती हैं उसको, तो डिबेट से जो आम जनमत निकलता है उसको वो शामिल करती हैं, तो वो नहीं हो पाता है। इसके बाद एक खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2021 में आया था, उसको भी जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। तो ये जो है विधेयक, जब ये समितियों के पास नहीं भेजे जाते हैं, जब इस पर व्यापक चर्चा नहीं होती, तो ऐसी स्थिति होती है कि राजा जो भी कानून बना दे उसको मानना जनता का कर्तव्य है, तो वो तो राजतंत्र हो गया। प्रजातंत्र का मतलब है कि जनता की
व्यापक भागीदारी हो सरकार के कार्यों में, जो राजा कहे वही सब कुछ सत्य न हो, जनता की भी राय हो, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनकी राय हो, और उनकी राय तब होगी जब सब आपस में मिल बैठ के बातचीत करके और उसके पक्ष विपक्ष को ध्यान में रख के कानून बनाएंगे। जैसे आनन फानन में जो कृषि कानून लाए गए थे वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखे गए, जनता की राय नहीं ली गई, तो जनता का काफ़ी विरोध हुआ, बाद में उसको विधेयक को वापस लेना पड़ा। तो जो आंदोलन हुआ, जो समय बर्बाद हुआ, जो ऊर्जा बर्बाद हुई, जो संसाधन बर्बाद हुए, उसको तो वापस नहीं किया जा सकता। इसके बाद ये भी देखने को मिला है कि संसदीय समितियों को विधेयक भेजने की प्रवृत्ति में गिरावट आ रही है। यानी पहले जो संसदीय समितियों को विधेयक भेजे जाते थे विचार विमर्श करने के लिए, चूंकि संसद में व्यापक रूप से विचार विमर्श का समय सांसदों के पास होता भी नहीं है, ना ही सदन के पास समय होता है, तो उसके प्रत्येक पहलू पर बात करने के लिए संसदीय समितियों को भेजा जाता है। तो वहाँ जो सांसद बैठकर आपस में बात करते हैं, 10-20 सांसद होते हैं हर समिति में, तो वो पक्ष विपक्ष सही गलत कमियों को अच्छाइयों को अच्छे से बारीकी से जज कर पाते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है पहले हुआ करती थी, अभी समय इसमें गिरावट हो रही है कि संसदीय समितियों को नहीं भेजा जाता, डायरेक्ट विधेयक को पास कर दिया जाता है। एक ये देखने में आ रहा है जिसमें 27% विधेयक जो हैं समितियों के पास भेजे गए। अब 27% विधेयक अगर समितियों के पास भेजे जाएंगे 100% विधेयक में, यानी 27% विधेयक पर व्यापक जांच हुई है, व्यापक तो उसके तकनीकी पहलुओं को, जटिल मुद्दों को समझा गया है, बाकी विधेयक आनन फानन में पास हो गए हैं, तो आनन फानन में पास होने वाले विधेयकों में खामियों की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। और 17वीं जो लोकसभा थी उसमें 11% विधेयक ही भेजे गए हैं अब तक, टिल प्रेजेंट। अब तक 11% विधेयक हैं जो वही भेजे गए हैं। तो 27 से 11 हो रहे हैं, यानी जब विधेयकों को समितियों के पास नहीं भेजा जा रहा है तो ये आम जनता को तो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कानून बन रहा है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संभ्रांत हैं, जो शिक्षित नागरिक है, वो तो समझ रहा है ना कानूनों की प्रवृत्तियों को। जैसे आप देख रहे होंगे, आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने आनन फानन में पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया और मनमानी तरीके से संसद में विधेयक पारित कराए, और इमरजेंसी को भारत में उस समय का काला दौर भी कहा जाता है, मौलिक अधिकारों की अवहेलना हुई, लोगों पर ज्यादतियाँ हुई। तो जब सरकार ऐसे तरीके से कानून बनाने लगे अपनी मनमर्जी से, तो जाहिर सी बात है कि फिर निरंकुशता की भी संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद एक और टर्म देखने को आ रहा है कि उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति, यानी भारत में उपाध्यक्ष का जो पद है संसद में, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति। तो उपाध्यक्ष का जो पद है वो 1977 के बाद जब मोरारजी की सरकार थी, तो उस समय ये प्रावधान बना दिया गया कि जो उपाध्यक्ष का पद होगा वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को जाएगा, यानी विपक्षी दल को जाएगा। तो वर्तमान में सबसे बड़ी विपक्षी दल ऐसी कोई पार्टी जो है उसको उपाध्यक्ष का पद दिया जाना चाहिए, तो उपाध्यक्ष का पद भी इस साल रिक्त है। प्रथम कार्यकाल में मोदी जी के AIDMK से किसी एक व्यक्ति को बना दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। उपाध्यक्ष की संसदीय कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उस समय उपाध्यक्ष ही मामलों को देखता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि उपाध्यक्ष के पद को खाली रखा गया है कई सालों से। यानी जब पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति, महत्वपूर्ण पद है, जो जिम्मेदारी वाला पद है, उस पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की अनुपस्थिति होगी, वो पद पर नहीं रहेंगे, पद रिक्त रहेगा तो उत्पादकता और संसद की कामकाज पर सवाल तो उठेंगे ही। इसके बाद उपस्थिति में कमी आ रही है, जो सबसे बड़ी बात है। जब सांसद या विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो जब उपस्थित नहीं होंगे तो कानून बनाएंगे कैसे, उपस्थिति में कमी, उपस्थिति में कमी कैसे आ रही है। उपस्थिति में कमी इस तरीके से आ रही है कि जो सांसद हैं वो चुन तो लिए जाते हैं, ना ही वो जनता के बीच जाते हैं, जो आम बात है आप सबको पता होगा, ना ही वो संसद में कानून बनाने जाते हैं।
तो जब संसद में कानून बनाने वालों की संख्या कम रहेगी तो जो कानून बनेगा वो अल्पमत का कानून होगा, तो अल्पमत का कानून जनमत को कैसे प्रभावित कर पाएगा या जनमत का कानून कैसे माना जा सकता है? तो इसमें आंकड़ा जो ये है कि लोकसभा के में सदस्यों की औसत उपस्थिति, लोकसभा में औसत उपस्थिति जो औसत उपस्थिति है वो घटकर 71% रह गई है, 71%, और राज्यसभा में औसत उपस्थिति 74%, यानी 100 सांसदों में 74 राज्यसभा सांसद और 71 लोकसभा सांसद, अगर 100 सांसद हों तो उपस्थित हो रहे हैं, तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित तो होगी। संसद का काम है विधि निर्माण करना, और विधि निर्माण में मान लीजिए कि उपस्थित सदस्यों का बहुमत और कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत है। कुल सदस्यों का बहुमत तो मान लीजिए सरकार के पास है, लेकिन उपस्थित सदस्य जब बहुत कम हो रहे हैं तो कानून बहुत आसानी से पास हो जा रहे हैं, तो जो संविधान का भी तो उल्लंघन माना जाएगा। जब सदस्य कानून बनाने में रुचि ही नहीं लेंगे तो हम उनको अपना सांसद बनाकर भेज क्यों रहे हैं, विधि निर्माण के लिए भेज रहे हैं ना, तो ये एक समस्या आ रही है। इसके बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा का अभाव, ये भी होता है कि जब बजट पेश किया जाता है तो इसमें चर्चा नहीं होती है। भारत में तो चर्चा की संस्कृति काफ़ी पहले से ही रही है कि कोई भी काम होता है उस पर चर्चा होती है, और संसद में हमने चर्चा के लिए ही तो संसद को बिठा रखा है, कानून बनाए वो हमारे समस्याओं पर विचार करे, चर्चा करे। जब ये काम नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, पैसा कहाँ खर्च करना है। अगर आप ही राजा ही तय करेगा, एक ही व्यक्ति तय करेगा, सांसदों की व्यापक सहमति नहीं होगी जो जनसहमति है, तो अन्य गैर मदों में भी व्यय हो सकता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, अपारदर्शिता को बढ़ावा मिल सकता है, तो इसका अभाव है। यानी लोकसभा में जो विस्तृत बजट के लिए 5 मंत्रालयों को बजट को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया था और 3 बजट पर चर्चा की गई, तो यानी इतने बड़े मंत्रालयों में सिर्फ 3 मंत्रालयों के बजट पर चर्चा की गई, बाकी मंत्रालय के बजट आनन फानन में जल्दी जल्दी में पास कर दिए गए, तो ये विषय चिंता का तो है ही। और फिर कुल बजट के 76% भाग को बिना चर्चा के पास कर दिया गया। बजट पर चर्चा करने के लिए ही तो हम लोग सांसदों को बैठा रखा है, तो जब वो चर्चा ही नहीं करेंगे, सदन में जाएंगे ही नहीं, तो उनके चुने जाने का कोई मतलब नहीं है। बजट के 76% भाग को, जो पिछला बजट था, वर्तमान बजट का आंकड़ा नहीं आया अभी, 76% भाग को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में ही आपको पता होगा कि अगर कोई पिताजी आपके कोई डिसीजन लेते हैं और घर में चर्चा करते हैं, सबकी राय लेते हैं, भले ही वो अपनी ही करें, लेकिन अगर राय लेते हैं तो आपको एक पॉजिटिव संकेत जाता है आपके माइंड में कि हमारी भी राय जानी गई, या हमने भी जाना, कोई प्रस्ताव आया कि हाँ ये काम करना है, या इतना पैसा आया है घर में इस काम के लिए, इसको लगाना है। लेकिन अगर पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ लगाना है, किसको कितना देना है, ये सब का कोई चर्चा का अभाव हो घर में आपके, सिर्फ पिता ही जी डिसीजन लें या माता जो भी हो परिवार की मुखिया वही डिसीजन लें, तो आपको भी एक असंवैधानिक लगेगा या अलोकतांत्रिक लगेगा, असंवैधानिक तो नहीं, अलोकतांत्रिक ही लगेगा परिवार में। तो इसी तरह से राष्ट्र में भी होता है, पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाली एक ऐसी संस्था है जहाँ चर्चा ही नहीं हो रही है बजट पर, तो मुद्दा चिंतनीय बन जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कामकाज के घंटे, कामकाज के जो घंटे संसद में जो बैठकें होती हैं, कामकाज होता है उसके जो आवर्स निर्धारित हैं, वो 2021 में आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा में आपको पता होगा कि 263 घंटे और राज्यसभा में 179 आवर्स, इतने घंटे ही कामकाज हुआ है। यानी एक साल में, वर्ष 2021 में लोकसभा में सिर्फ 263 घंटे और राज्यसभा में 179 यानी 180 के करीब, 180 के करीब घंटे काम हुए हैं, जबकि वास्तविक कामकाज के घंटे देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिन सांसदों को चुनकर भेज रहे हैं वो संसद में जा ही नहीं रहे हैं, वास्तविक कामकाज के घंटे कितने हैं, इससे डबल हैं। लोकसभा में 410
410 और राज्यसभा में 250, यानी 250 में 179 आवर्स काम हो रहा है और 410 में लोकसभा में 263, यानी आधे से भी थोड़ा सा ही ज़्यादा काम हो रहा है। तो अगर इस तरीके से काम लोकसभा में होगा, कामकाज के घंटे प्रभावित होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी होगी वो डिक्लाइन होगी ही। और यूपीएससी इस पर प्रश्न भी पूछता है, तो उसको भी हम बताएंगे कि क्या यूपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछा था। इसके बाद 2015 के बाद यह तीसरी बार है जब विधि निर्माण में राज्यसभा में सबसे ज़्यादा काम हुआ, यानी 2021 वाले सत्र में विधि निर्माण पर राज्यसभा में सबसे ज़्यादा काम हुआ 2015 के बाद से लेकर, यानी 16, 17, 18, 19, 20 इस 5 सालों में सबसे कम काम हुआ था, अभी सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो ये एक डाटा है। ये सब आंकड़ों का उपयोग आप अगर यूपीएससी प्रश्न पूछती है तो आंकड़ों से अगर आप शुरू करते हैं तो आपका उत्तर ज़्यादा प्रमाणिक होता है। अब संसद की कामकाज करने संबंधी उत्पादकता में गिरावट के कारण, उत्पादकता में गिरावट के कोई कारण तो होंगे ही। उत्पादकता में गिरावट के कारण क्या रहे हैं, क्यों उत्पादकता गिर रही है संसद की? तो पहला तो है कि शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त समय के कारण सांसदों में असंतोष है। जो सांसद हैं वो अपनी शिकायतों को प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहे हैं सदन में, तो जब शिकायत को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं सदन में तो उनमें असंतोष भी है। तो सांसदों को तो हम इसीलिए चुन के आते हैं कि जनता की चुनते हैं कि जनता के बीच की जो कोई समस्याएं होंगी उसको वो सदन के पटल पर रखेगा, पार्टी में रखेगा, उस पर कामकाज होगा, उस पर बातचीत होगी और बजट जो होगा उसके लिए आवंटित होगा या उसमें जो कमियां होंगी उस क्षेत्र में उस सांसद की उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। जब उसको समय नहीं दिया जाएगा अपनी शिकायतों को अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए तो उसमें असंतोष होगा, एक तो ये कारण है। दूसरा, सदन या संविधान के नियमों द्वारा कामकाज का समय निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान या सदन के नियम द्वारा नियमों में कामकाज का समय निर्धारित नहीं किया गया है कि हमारा जो काम का घंटा है या काम के दिन है कितने, वो कितने दिन तक हो सकता है, समय निर्धारित नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है आप कह सकते हैं, क्योंकि जब किसी कानून में या किसी नियम प्रक्रिया में लिखा ही नहीं है कि कितने घंटे बैठक होनी है, तो आपका जितना मन हो उतने घंटे आप बैठ सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद स्थायी संसदीय समितियों पर विचार विमर्श सदन में नहीं करती हैं, जो स्थायी समितियां होती हैं ढेर स्थायी समितियां संसद में विचार नहीं करती हैं सदन में। मैंने आपको बताया कि जो स्थायी समितियां बनती हैं ढेर सारी किसी भी मंत्रालय के कामकाज पर या संसद के कामकाज पर, वो बातचीत करती हैं, उस पर विचार विमर्श करती हैं, तो उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत कम ही विचार विमर्श सदन में करती हैं। इसके बाद फिर एक और आप मुद्दा देखते होंगे कि सदन के कामकाज में व्यवधान या बाधा डालने वाले जो विधायक होते हैं उनके खिलाफ त्वरित कोई कार्यवाही नहीं होती है, और विधायिका में ऐसा कोई नियम भी नहीं बनाया गया है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा क्या प्रावधान है जो उसके खिलाफ कार्यवाही हो उस प्रावधान के तहत। तो आप देखते होंगे कि जब से ये संसद के कार्यों की लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी है तो ऐसे कुछ सांसद हैं जो विधायिका में या संसद में उत्पाद मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बिल को फेंकते हैं, संसद के कामकाज को बाधित करते हैं, वो इसलिए ताकि हाईलाइट में आए, जनता के बीच आए, और उनको जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको उतना दंड भी नहीं दे पाते हैं, कुछ देर के लिए सदन को स्थगित कर देते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देते हैं, कड़ी कार्यवाही होती नहीं है। तो उनके 10 सांसदों के कामकाज की वजह से या वो व्यवधान की वजह से पूरा कामकाज प्रभावित होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है उत्पादकता में गिरावट का। इसके बाद राजनीतिक दलों द्वारा संसदीय मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है, और सदस्यों को अनुशासन में रहने की अपील भी नहीं की जाती है, ऐसा कोई दबाव भी उन पर नहीं डाला जाता है, यानी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अगर उनके सदस्य कोई ऐसी असंवैधानिक स्थिति या असंवैधानिक हरकत करते हैं जो संसदीय कार्यक्रम कामकाज की मर्यादा के विपरीत हो तो उनको कार्यवाही करनी चाहिए पार्टियों को, लेकिन पार्टियां उसको बढ़ावा देती हैं कि और अच्छा है सदन में बिल फाड़ो, मार्शल की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, मार्शल जो होते हैं वहाँ के गार्ड होते हैं, मार्शल जो होते हैं सदस्यों को उठाकर बाहर करते हैं, ऐसी हरकतें कभी करने लगते हैं, मार पिटाई भी हो जाती है, जूते भी चलने लगते हैं कभी कभी, तो ऐसी स्थिति होती है तो जाहिर सी बात है कि ये चिंता का तो विषय है ही। इसके बाद विपक्ष के प्रति सरकार का अनुत्तरदायी रवैया तथा सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं एवं मंत्रियों द्वारा संवेदनशील व्यवहार,
इसके पीछे एक रीजन यह है कि जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के सांसदों के प्रति कोई बहुत खास लगाव नहीं रखते, ना ही उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और उसकी उनका जो रवैया होता है वो उत्तरदायी होता है, वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते हैं वो कि संसद के प्रति या विपक्ष के प्रति मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं, उनसे मिलने का टाइम नहीं मिल पाता है, मंत्री अच्छे से उनकी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि मंत्री के अधिकार में ही तो अधिकांश कार्य होते हैं। तो जब मंत्री सांसदों की बात ही नहीं सुनेंगे, उनकी समस्याओं का एड्रेस नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि समस्याएँ तो उत्पन्न होंगी। अब हमको ये जानना जरूरी है कि हमने समस्या जान ली, ये समस्याएं क्या आ रही हैं, तो उसके ये जानेंगे कि अगर हम संसद की उत्पादकता सुनिश्चित करें तो वो जरूरी क्यों है, उसका निदान भी हम जानेंगे और उत्पादकता को सुनिश्चित करना जरूरी क्यों है ये जानेंगे। क्यों अगर संसद की उत्पादकता गिरावट हो की ओर बढ़ रही है या उत्पादकता प्रभावित हो रही, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है, उससे क्यों जरूरी क्यों है ये संसद की जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले तो यह है कि यह लोकतंत्र का, इसमें लोकतंत्र में संसद की केंद्रीय भूमिका होती है, लोकतंत्र में केंद्रीय भूमिका, संसद जो होती है लोकतंत्र में इसकी केंद्रीय भूमिका होती है। लोकतंत्र में जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं जनता द्वारा, और वो प्रतिनिधि संसद में बैठकर नियम कानून बनाते हैं और संसद के कामकाज पर या सरकार के कामकाज पर नियंत्रण का काम सदस्यों का होता है। तो इसलिए संसद की अगर डिक्लाइनिंग होगी उसकी प्रोडक्टिविटी की, तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। इसके बाद प्रस्तावित कानूनों की जाँच करना, संसद क्या करती है, प्रस्तावित कानून जो होते हैं उसकी जाँच करती है। अगर सरकार अपने मनपसंद से कोई कानून लाती है और बनाती है, तो उसमें विपक्ष के सदस्य या सरकार के सदस्य जो उस पार्टी के तो हैं लेकिन सरकार में शामिल नहीं है, मंत्री नहीं है, स्वतंत्र सांसद हैं, जैसे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही सांसद हैं या अन्य पार्टियों के सांसद हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रस्तावित जो कानून होते हैं उसकी जाँच करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, समितियाँ होती हैं उसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं, वो जाँच करते हैं, उसके एक एक पहलू पर बातचीत करते हैं कि ये जो विधेयक है जनता के मार्फत या जनता का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं, जनता की समस्याओं को संबोधित करता है या नहीं, या जनता की समस्याओं को संबोधित न करके कोई जनता के लिए नई समस्या तो नहीं खड़ी कर रहा है। तो इस तरीके से इसका संसद का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि प्रस्तावित कानूनों की जांच करना, इसलिए जरूरी है कि संसद की उत्पादकता बनी रहे, संसद की प्रासंगिकता बनी रहे। इसके बाद ये संवैधानिक दायित्वों को भी तो पूरा करते हैं, संविधान में कोई भी कानून की शक्ति जो है वो संसद को दी गई है, तो संसद जो है वो संविधान द्वारा जो उसको जवाबदेही या अधिकार दिया गया है कि कानून का निर्माण करना, तो कानून के निर्माण के लिए संसद में दो तीन चीजें जरूरी हैं, तो विचार विमर्श चर्चा होती है वहां और मंत्रणा होती है, तो ये विचार विमर्श चर्चा मंत्रणा ये तभी हो पाएगा जब संसद के कामकाज के घंटों में बढ़ोतरी हो, संसद में प्रोडक्टिविटी हो, सांसद वहाँ बैठकों में भाग लें, अनुपस्थित न रहें। तो जब कोई कानून होगा या कोई भी समस्याएं होंगी उस पर संसद में चर्चा होगी, विदेश से संबंध हो उस पर संसद में चर्चा होती है, मंत्रणा होती है। तो और एक आर्टिकल 75 है, इसमें है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, यानी सरकार जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद, और सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा का भी कर्तव्य बन जाता है कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करे, सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए वो सारे प्रयास करे जो संविधान में या जो नियम कानूनों में उसको सौंपे गए हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाकर वो सरकार को उसकी जवाबदेहिता के लिए दबाव बना सकती है,
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको नियंत्रित करती है, संतुलित करती है। इसके बाद ये प्रतिनिधात्मक भी निकाय है, रिप्रेजेंटेटिव या प्रेजेंटेटिव बॉडी है। तो इसका काम है रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना, यानी जवाबदेही हो, अनुक्रियाशीलता हो। तो ये सब जरूरी है, इसलिए संसद की उत्पादकता जो है वो बनाए रखने की ज़रूरत भी है हम सबको। इसके बाद हम अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं कि ये सारी समस्याएं गिना लिए, क्यों जरूरी है संसद की उत्पादकता ये देख लिया। अगर संसद की कोई उत्पादकता गिर रही है या कोई कामकाज प्रभावित हो रहा है, यानी कोई समस्या अगर शरीर में है तो उसका निदान करना चाहिए। तो निदान क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, आगे की राह क्या है, क्या किया जाना चाहिए, हमको करना क्या है, ये हम जानेंगे। इसके पहले हम ये जानते हैं कि इसके परिणाम क्या होते हैं। अगर संसद की उत्पादकता में गिरावट होती है तो संसद की जवाबदेही में कमी आ जाती है, और फिर शासन के खालीपन को सक्रिय न्यायपालिका द्वारा भरा जाता है। अगर संसद का कामकाज प्रभावित होगा, संसद वो काम नहीं कर पाएगी जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देने लगेगी कि ये किया जाना चाहिए। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट अधिकांश ऐसे निर्णय देती है जो लगता है कि ये सरकार के काम हो सकते हैं, कि राजमार्गों पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है तो वहाँ कामों में तेजी लाई जानी चाहिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए वो अपने निर्णयों में सुझाव देती है। तो इससे न्यायपालिका, शासन का खाली पर न्यायपालिका द्वारा भरा जाएगा, तो शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है, यानी जो विधायिका का काम है अगर वो न्यायपालिका करने लगेगी तो संतुलन प्रभावित होगा। और फिर असहमति को व्यक्त करने के अवसरों में भी कमी आएगी, यानी अगर संसद में सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा, वो असहमतियों को अपने व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे, विधेयकों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो उसका परिणाम यही होगा कि जो दल बदल कानून है उसके तहत एक तो सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि दल बदल कानून के तहत अपने जो पार्टी के सदस्य होते हैं वो सरकार के किसी अच्छे काम की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं और अपने पार्टी के किसी गलत कदम की बुराई नहीं कर सकते हैं, तो इसको बढ़ावा मिलेगा कि असहमति को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कामकाज जो है वो अकुशल हो जाएगा, विधायी कामकाज प्रॉपर तरीके से अगर विधि नहीं बनेगी तो जनता के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद तो होगी विधि नहीं, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। फिर आंदोलन होंगे, जैसे किसान आंदोलन हुआ, आनन फानन में बिल पारित किया गया और जनता से सलाह ही नहीं ली गई, तो जनता को प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहा था कानून, वापस लेना पड़ा, तो ये परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद संसदीय उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बैठकों की संख्या को बढ़ाएं। यानी संसद की जो बैठक की संख्या है, यानी अभी तक अगर साल भर में 50 बैठकें हो रही हैं तो उसको बढ़ा के 100 बैठकें किया जाना चाहिए। तो एक संविधान के लिए समीक्षा आयोग गठित किया गया था, संविधान समीक्षा आयोग, आयोग, तो उसने सिफारिश की थी कि लोकसभा के लिए 120 घंटे 120 दिन और राज्यसभा के लिए 100 दिन, ये प्रतिवर्ष कम से कम इतनी बैठकें तो होनी ही चाहिए न्यूनतम। तो अगर इसका पालन किया जाए तो ये अच्छी चीज़ हो सकती है। फिर संसद सदस्यों में भी विशेषज्ञता हो, संसद सदस्यों में भी विशेषज्ञता, भाई कानून कभी कभी जटिल होता है और बहुत सारे जटिल कानून होते हैं, और विशेषज्ञ की सहायता भी ली जानी चाहिए। कुछ तो विशेषज्ञ सांसद हो सकते हैं, लेकिन अगर सांसद विशेषज्ञ नहीं है तो विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है, स्पेशलिस्ट जिसे बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तकनीकी मामलों की बहुत अच्छी जानकारी होती है, तो तकनीकी मामलों पर कोई, टेक्नोलॉजी पर कोई अगर विधेयक पास हो रहा है तो उसमें उनकी राय ली जानी चाहिए। कोई लीगल इशू या बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है तो किसी लीगल एक्सपर्ट की सलाह ली जानी चाहिए। तो विशेषज्ञ जो है उनकी सहायता लेने के बाद कानूनों में जो जटिल और तकनीकी मुद्दे होते हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलती है। इसके बाद समिति को विधेयकों को भेजना, जो समस्या थी उसी को सॉल्व करने के लिए, क्या था कि समिति में विधेयक नहीं भेज समिति में विधेयक नहीं भेजे जाते थे, तो अब समस्या को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि समिति के पास विधेयक जाएं, समिति पर व्यापक रूप से कामकाज करे, व्यापक रूप से समीक्षा करे, तब कोई विधेयक आए, जनता की सलाह हो। अधिकांश विधेयक होते हैं कि पब्लिक डोमेन में कर दिए जाते हैं, तो जनता की उस पर विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा राय ली जाती है, तब फिर उस पर कानून बनता है। तो एक कारण हो सकता है, एक निदान हो सकता है। इसके बाद नियमित निगरानी की जानी चाहिए संसद के कार्यों की,
फिर उत्तरदायी विपक्ष हो, यानी विपक्ष जो है अगर वो निष्क्रिय है तो कामकाज का तरीका प्रभावित होता है। और फिर एक शैडो कैबिनेट का चलन बढ़ा था कि शैडो कैबिनेट होती है जो वो सरकार की ही तरह मंत्रिमंडल होता है, उसमें विपक्ष की वो शैडो कैबिनेट होती है। तो जैसे वास्तविक गृह मंत्री होता है वैसे विपक्ष का एक गृह मंत्री होता है जो गृह मंत्री के कामकाज की समीक्षा करता है, ऐसे हर मंत्रालय में होता है। तो शैडो कैबिनेट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वो मंत्रालयों की निगरानी करेगी, विस्तृत जांच को संभव बनाएगी। इसके बाद जनता की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी कि संसदीय कामकाज पर व्यापक विचार विमर्श हो जनता के बीच, तो इससे जनता में जागरूकता आएगी और संसद के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि हमको कामकाज करना ही चाहिए। तो इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बात की। यूपीएससी इस पर प्रश्न पूछती है कि संसद की जो एक बार पीछे 2019 में प्रश्न पूछा था कि एक व्यक्तिगत सांसद के रूप में संसद की विधि निर्माण की शक्ति प्रभावित हुई है या कामकाज प्रभावित हुआ है, उससे संसद की उत्पादकता में गिरावट हुई है, तो इसके लिए क्या उपाय सुझाए जाने चाहिए। तो आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको उत्तर को लिखने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है कि संसद की उत्पादकता में गिरावट क्यों हो रही है और उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही बातचीत करेंगे, अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।